कहता है एक स्कूल है जिसमें इतने स्टूडेंट्स हैं ठीक है ये टोटल स्टूडेंट्स उसने गिवन किए हैं सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी नाइन हैव पेट्स कहता है इन में से सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी नाइन जो उनके पास पेट्स है मतलब पालतू जानवर है जैसे लोग घरों में बिल्ली रखते कुत्ते वगैरह जो रखते हैं ठीक है कहते हैं उनके पास क्या पाल है पालतू जानवर हैं ठीक है हाउ स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी पैट्स कहते हैं बताएं कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई भी जो है वो पालतू जानवर नहीं है मैं आप आसान से आपको एग्जाम्पल एक देती हूँ मैं कहती हूँ बीस स्टूडेंट्स हैं ठीक है जिनमें से आठ के पास जो है वो पैट्स है तो बताएं कितने के पास पैट्स नहीं है आप माइनस करके मुझे बताएंगे टीचर ट्वेल्व के पास जो है वो पैट्स नहीं है तो सेम वही करना है हम लोगों ने इसको क्या माइनस करना है तो स्टेटमेंट लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन है उसकी स्टेटमेंट लिखनी है क्वेश्चन नंबर वन इधर हार्डिंग देनी आपने सोल्यूशन की सोल्यूशन मालूम करें ना हम लोग आप यहाँ पर क्या लिखना टोटल स्टूडेंट्स टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल कितने हैं वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी सेवन वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी एंड फिफ्टी सेवन ठीक है स्टूडेंट्स हैव पेट्स दूसरी स्टेटमेंट आएगी हमारी स्टूडेंट्स जिनके पास पेट्स हैं स्टूडेंट्स हैव पेट्स कितने हैं वो सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी नाइन इस साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे नाइन टू सिक्स ठीक है अब वो उसने क्या पूछा सवाल में डिमांड क्या किया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी पेट्स तो यहां पर लिखेंगे स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी पेट्स ठीक है इसके लिए क्या करेंगे इन दोनों को माइनस कर देंगे ठीक है इन दो नंबर्स को माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा ठीक है अब देखिए सेवन में से नाइन माइनस नहीं हो सकता हम लोग क्या करेंगे इस फाइव से कैरी लेके इधर सेवनटीन बनाएंगे इधर आ जाएगा फोर अब सेवनटीन में से नाइन माइनस करेंगे एट आ गया फोर में से टू माइनस करेंगे टू आ जाएगा एंड ट्वेल्थ में से सिक्स माइनस करेंगे हमारे पास सिक्स आ जाएगा मतलब तो ये इतने जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास क्या है पैट्स नहीं है ठीक है क्वेश्चन नंबर टू है अ मिल्क वैन कैरिड थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड बॉटल्स ऑफ मिल्क कहता है एक मिल्क मैन है सॉरी मिल्क वैन है कहता है एक मिल्क वैन जो है वो इतनी बॉटल्स जो है वो लेकर आती है थ्री थाउजेंड फोर एंड फोर हंड्रेड ठीक है द मिल्क मैन डिलीवर्ड वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी सेवन बॉटल्स कहता है जो मिल्क मैन है उसने इतनी जो बॉटल्स हैं वो डिलीवर्ड कर दी हैं बेच दी होंगी ठीक है हाउ मेनी बॉटल्स वर्ड कहते हैं बताएं कितनी बॉटल्स रह गई हैं स्टूडेंट्स ये टोटल थी इतनी उसने डिलीवर कर दी है तो बाकी कितनी रह जाएंगी हम लोग इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे क्वेश्चन नंबर टू इसका हम लोग मालूम कर रहे हैं सोल्यूशन ठीक है अब सबसे पहले स्टेटमेंट क्या लिखेंगे टोटल मिल्क बॉटल्स टोटल टोटल घी है ना टोटल मिल्क बॉटल्स कितनी है थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड ठीक है मिल्क मैन डिलीवर्ड मिल्क मैन डिलीवर्ड डिलीवर्ड जो उसने किए हैं ठीक है वो कितनी की है वन थाउजेंड नाइन्टी वन नहीं सॉरी वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवन वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवन ठीक है आगे क्या उसने क्या क्या है हाउ मैनी बॉटल्स वर लेफ्ट है तो या बॉटल्स वर लेफ्ट हैडिंग होगी बॉटल्स लेफ्ट उसके लिए क्या करेंगे हम इन दो नंबर्स को माइनस कर देंगे ठीक है हमारे पास आंसर आ जाएगा ये सारे जीरो हैं इनसे कैरी लेना मुश्किल है हम इस फोर से कैरी लेके इधर टेन बनाएंगे इधर आ जाएगा थ्री इस टेन से इधर टेन बनाए इधर आ जाएगा नाइन टेन में से सेवन माइनस करेंगे थ्री आ गया नाइन में से सिक्स माइनस करेंगे थ्री आ जाएगा ये थ्री में सिर्फ नाइन माइनस नहीं होगा हम लोग इस टू से थ्री से कैरी लेके इधर बनाएंगे थर्टीन इधर आ जाएगा टू थर्टीन में से नाइन माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा फोर और टू में से वन माइनस करेंगे वन आ जाएगा मतलब इतनी जो बॉटल्स हैं वो उसके पास रैगिंग है ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री है इसका भी हम लोग सोल्यूशन मालूम करेंगे ठीक है क्या है क्वेश्चन नंबर थ्री वन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी पीपल वर एट द बीच ऑन सैटरडे कहता है हफ्ते वाले दिन जो है बीच पर मतलब जो समंदर का साहिल है ठीक है उस पर कितने वन थाउजेंड फोर फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड फिफ्टी पीपल थे ठीक है वेन इट रेंट कहता है जब बारिश हुई वन थाउजेंड नाइन्टी वन पीपल लेफ्ट द बीच कहता वन थाउजेंड नाइन्टी वन लोग जो है वो साहिल को छोड़ गए बीच को छोड़ के चले गए हाउ मैनी पीपल रिमेन देर कहता कितने लोग रह गए थे ये टोटल है इतने चले गए हैं तो बाकी कैसे मालूम होगा इसको टोटल तो में से वन थाउजेंड नाइन्टी वन को माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा ठीक है तो क्या स्टेटमेंट है सबसे पहले पीपल पीपल वर एट द बीच ये है ना पीपल वर एट द बीच कितने ये वाले पहली स्टेटमेंट है पीपल वर एट द बीच कितने हैं वन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी पीपल लेफ्ट द बीच दूसरी स्टेटमेंट होगी पीपल लेफ्ट द बीच जब बारिश हुई थी छोड़ के चले गए थे ना एट द लेफ्ट द बीच ठीक है तो वो कितने हैं वन थाउजेंड एंड नाइन्टी वन वन थाउजेंड एंड नाइन्टी वन पीपल रिमेंट देयर पीपल लेफ्ट लिख रहे हैं पीपल रिमेंट देयर लिख रहे पीपल रिमेंड एट द बीच इसलिए क्या करना है दो नंबर्स को माइनस कर देना ठीक है अब देखें जीरो में से वन माइनस नहीं होगा हम इस फाइव से कैरी लेके तो टेन बनाएंगे इधर आ जाएगा फोर टेन में से वन माइनस करेंगे नाइन आ गया अब फोर में से नाइन माइनस नहीं हो सकता हम इस फोर से कैरी लेके तो फोरटीन बनाएंगे इधर आ जाएगा थ्री फोटी में से नाइन माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा फाइव अब देखिए थ्री में से जीरो माइनस करेंगे तो थ्री आ जाएगा और वन में से वन माइनस करेंगे जीरो आएगा और लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है इतने पीपल जो हैं वो बीच पर रह गए थे ये देखें आप लोगों ने कितना ज़्यादा आसान है कोई भी स्टेटमेंट मैंने खुद से नहीं बनाई ये सारी स्टेटमेंट्स आपके क्वेश्चन के अंदर मौजूद थी ठीक है आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़